मैं जापान में कुछ देर रहा और कनाडा में काफी देर रहा, तो उनके स्कूलों में पहले 2 साल सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, मैनर्स, एटिकेट्स, उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी दी जाती है 2 साल पहले, जापान में भी कनाडा में भी। क्लास में कुछ नहीं पढ़ाते। मेरी छोटी बेटी जो क्लास 2 में है, उसका बैग इतना बड़ा है कि उसमें अगर पहिए ना लगे उठा ही नहीं सकती, और उसकी एज में कनाडा और जापान में किताबें पढ़ाना जुर्म है। और फिनलैंड में 7th क्लास से पहले बच्चे को स्कूल भेजना मुजरिम है, मां बाप गिरफ्तार हो जाते हैं। अब आप देखें कि बच्चे का जो खेलने का टाइम है, इंटेलेक्चुअली ग्रो करने का टाइम है, इमोशनली राइज करने का टाइम है, सोसाइटी को ऑब्जर्व करने का टाइम है, वो स्कूल में कैदी हुई तरह बस्ता बंद के बस्ता बे के उसके तरह बंद हो जाता है स्कूल में जाके। अब ये डिबेटेबल चीज़ें हैं, अभी हम प्राइमरी को नहीं हम एड्रेस कर रहे। मैं क्या एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टीचर का रोल आइडियल क्या है? माइंड को नॉक करना, जंग उतारना, मोटिवेट करना और टीचिंग में इंस्पिरेशन के एलिमेंट को ऐड करना।